जय माता दी। फिटकरी एक बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आपने देखा ना कि अगर कट लग जाता है तो फिटकरी से रब कर देते हैं और थोड़ी देर में वो कट वाली जगह ठीक हो जाती है। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ खास अचूक उपाय, जो कि करने फिटकरी से हैं लेकिन उन उपायों का करने का तरीका अलग है, और अलग अलग तरीके से आप एक ही फिटकरी से कई चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं। तो फिटकरी के अचूक उपायों में सबसे पहला उपाय जो आपके घर में बरकत जरूर दिलाएगा, अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, आप ज्योतिष के अनुसार अगर आपके ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं, परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में वो कौन सा खास उपाय है जिसको आप करके उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रहों की स्थिति के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा के कारण देखा होगा कि सदस्यों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी को मेंटली, किसी को फिजिकली, किसी को इमोशनली, किसी को फाइनेंशियली। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का वो कौन सा खास उपाय है, या वो कौन कौन से उपाय हैं, मैं ये कहूँगी, जिससे कि आपको कार्य सिद्धि ज़रूर मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिन्हें करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव खत्म होगा और घर के सदस्यों की बरकत शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? घर के मेन एंट्रेंस से, क्योंकि जब भी आपके घर में लक्ष्मी जी आती हैं या बाहर से कोई मेहमान आता है तो मेन गेट इज़ द प्रायोरिटी। आपको करना क्या है? बहुत छोटा सा और खास उपाय है। आपने एक कांच की कटोरी में फिटकरी लेनी है। इस फिटकरी को आपने अपने मेन गेट के दरवाजे पर या फिर डोर के साथ में खिड़की हो तो खिड़की के पास ही आप इसको रख सकते हैं। इसको ओपन करके रखिए, ढक के नहीं रखना है। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी लोग आएंगे, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अगर उनके साथ आ रही है तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो नेगेटिविटी बाहर ही रह जाएगी। और एक बार कटोरी में रखी हुई फिटकरी को आपने हर तीसरे दिन बदलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने फिटकरी आज रखी और कल ही फिटकरी का कलर एकदम से बदल गया है तो उसको फेंक दीजिए। और ये फिटकरी आपने फेंकनी कहाँ है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी खुले में डस्टबिन में मत फेंकिए, इसको पेपर में रैप करके ही आप थ्रो करिए। इसके साथ में फिटकरी का पानी का पोछा हर शनिवार आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके घर में बढ़ने लगता है। फिटकरी को अगर आप काले रंग के कपड़े में लपेट कर और उसके ऊपर काले रंग का ही धागा बांध कर अगर आप पोटली बना लेते हैं, और इस पोटली को अगर आप अपने शॉप, दुकान, अपने कार्यस्थल के मेन गेट के ऊपर लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके काम पर बुरी नज़र जल्दी से किसी की नहीं लगेगी, क्योंकि आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपके सुख से ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसा करने से भी बुरी नज़र आपके कार्यस्थल से दूर रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए फिटकरी का खास तौर से वो कौन सा अचूक उपाय है जिसको करना सिर्फ एक बार है और फल आप इंस्टेंट देख पाएंगे कि एक बार किया हुआ उपाय आपको निश्चय ही लाभ दिलाएगा। अगर आपके विवाह होने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप एक नीले रंग के कपड़े में, अब नीला कलर जो मैं कपड़े का बोल रही हूँ वो लाइट ब्लू नहीं होना चाहिए, वो डार्क ब्लू होना चाहिए, तो डार्क ब्लू कलर का कपड़ा लेना है आपने, उसमें फिटकरी रखनी है और इसको आपने काले रंग के धागे से ही इस पोटली को गांठ लगानी है। इसके पश्चात ये पोटली आपने अपने सिरहाने रख लेनी है। ये पोटली 11 दिन आप अपने सिरहाने रखिए, 12वें दिन आप
अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इस पोटली को चलते हुए पानी में जल प्रवाह कराइए। फर्स्ट टाइम जब आप ये पोटली अपने सिरहाने रखेंगे तो आपको ये उपाय शनिवार से शुरू करना है। शनिवार की सुबह पोटली बना लीजिए, शनिवार की रात्रि में आप ये पोटली रखकर सो जाइए। 11 दिन लगातार आप पोटली रखिए। ये उपाय मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। फीमेल्स की जो मंथली प्रॉब्लम होती है उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बीच में अगर वो भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय को 11 दिन जैसे मैंने आपको बोला है वैसे करके देखिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह के रास्ते भी खुल जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप इन उपायों को करेंगे और उपाय करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर कि आपको कितनी जल्दी और कितना लाभ हुआ। क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे ना, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे तो प्रसन्नता मिलती ही है, लेकिन साथ ही में आपके कमेंट्स पढ़कर कहीं ना कहीं जो और दूसरे लोग आपके कमेंट्स जब भी पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के जो भी चार्जेस होंगे, जो भी अवेलेबल टाइम होगा, आपको बता दिया जाएगा। और जब भी आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट ना मिले, तो निराश मत होइएगा, नाराज़ भी मत होइएगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की परेशानियों को दूर करना। लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के हम लोग कुंडली विश्लेषण नहीं करते हैं। ये भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और वो सीधा अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। तो देखिए, बिना अपॉइंटमेंट के तो मैं आपको उपाय यहाँ यूट्यूब चैनल पर बता ही रही हूँ। आप अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग वो उपाय देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही में आप अपना प्यार हम लोगों को देते रहिए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है। जय माता दी।